राजधानी में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर थम नहीं रहा है। शुक्रवार को सुबह की शुरुआत जहां रिमझिम फुहारों के साथ हुई, वहीं दोपहर में झमाझम बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया। बीते दो दिनों से बारिश की रंगत ने राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के साथ तरोताजा कर दिया है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक येलो अलर्ट था, लेकिन इसके बाद बादलों की बदलती रंगत के बाद IMD ने इसे ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया। दोपहर करीब 12 बजे से बारिश बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। गुरुवार शाम से शुक्रवार शाम तक सफदरजंग में 75.1 mm, पालम में 79.2, लोधी रोड में 70.4, रीज में 73.2, आया नगर में 64.7, डीयू में 56.5, वहीं नरेला में 13, नजफगढ़ में 0.5, पीतमपुरा में 27.5 और मयूर विहार में 22.5 mm बारिश हुई। लगातार बारिश और बादलों की वजह से अधिकतम तापमान महज 27.6 डिग्री रहा, यह सामान्य से 6 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री रहा, यह सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। वहीं शुक्रवार की बारिश के साथ ही सितंबर के पूरे महीने में होने वाली बारिश का कोटा पूरा हो गया है। महज 13 दिनों में 171.3 mm बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर पूरे सितंबर में 123.4 mm बारिश होती है। 2023 में पूरे सितंबर में 82.7 mm, 2022 में 164.5 mm और 2021 में 413.3 mm बारिश हुई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश होगी, अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 15 से 17 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, आंशिक बादल रहेंगे। 18 व 19 सितंबर को एक बार फिर हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली में इस समय जो मौसम है वो लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। दो घंटे में मौसम आपको बदलता हुआ नजर आएगा। कभी आपको बारिश होती हुई नजर आएगी, कभी आपको हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती हुई नजर आएगी, कभी आपको धूप से आपको तमाम इलाकों में धूप नजर आ सकती है। आप इस समय मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस समय दिल्ली के जो यहाँ का इलाका पड़ता है हमारे सिविल लाइन्स के, यहाँ पे काले बादल छाए हुए हैं। और इस समय हम आपको बाकी के अपडेट दे तो साउथ के एरिया में, साउथ दिल्ली में इस समय बरसात देखने को मिल रही है। लेकिन बाद नॉर्थ वेस्ट की करें तो वहाँ पर सुबह सुबह हमें तेज बारिश देखने को मिल रही है। सेंट्रल के भी हालात ऐसे ही बताए जा रहे थे। पिछले 2 से 3 दिनों में ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आई, लोगों को इस समय ठंड का जो एहसास है वो होना शुरू हो गया है और यही हालात देश के तमाम राज्यों में आपको इस समय पे देखने को मिलेंगे। खास करके बात पहाड़ी इलाके करें तो इस समय वहाँ पर जो ठंड का माहौल है वो बनना शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो ठंडी हवाएं चल रही है, पहाड़ी हवाएं चल रही है, उसको लेकर वहाँ पे लोगों ने अपने जो गर्म कपड़े हैं वो भी निकाल लिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या सोचना है हमें जरूर बताया। तब तक के लिए मैं पंजाब में इसी में कैमरा पर्सन बीके के साथ खुशी पंजाब के साथ।